जम्मू कश्मीर में पंडितों की सुरक्षा पर बड़ी खबर। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर बीजेपी ने चिंता जताई है। कश्मीरी पंडितों पर टारगेट किलिंग का खतरा है, ये कहा है बीजेपी के बड़े नेता कविंद्र गुप्ता ने, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। सरकारी नौकरी करने वाले 56 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट लीक हुई है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो लिस्ट ब्लर की है, हम आपको नाम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन लिस्ट को आतंकी संगठन से जुड़े ब्लॉग पर शेयर किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता के मुताबिक लिस्ट लीक होने के बाद कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और ज्यादा खतरे में पड़ गई है। कश्मीर में पीएमजी एसवाई के जो कश्मीरी पंडित मुलाजिम है उनको एक बार फिर से थ्रेट दी गई है और कुछ लोगों का नाम लिखा है। बड़ा चिंताजनक है। पहले से ही सरकार की तरफ से प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन जो टारगेट किलिंग पहले भी होती रही, अब उसको फिर से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास करके लोगों के नाम देना, ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि एक डर का माहौल वहां पर पैदा ना हो। तो देखिए बीजेपी क्या कह रही है, हमने आपको बताया, लेकिन आतंकियों के पास कश्मीरी पंडितों की लिस्ट पहुंची कैसे, कैसे ये लिस्ट लीक हुई, आपको जल्दी से इस बारे में बताते हैं कि आखिर क्या और जानकारी है। फिर श्रीनगर चलते हैं इरफान के पास और पूछते हैं वहां क्या हो रहा है। फिर दिल्ली में भी एक मीटिंग हो रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले लाउड एंड क्लियर आपके सामने जानकारी, कश्मीरी पंडितों पर खतरा। द रेजिस्टेंस फ्रंट के ब्लॉग पर कश्मीरी पंडित वर्कर्स की एक लिस्ट शेयर की गई। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है द रेजिस्टेंस फ्रंट। लिस्ट में 56 कश्मीरी पंडितों के नाम है और इसमें प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत ये नौकरी जिनको दी गई है ये वो लोग हैं। अब देखिए कितने टारगेट किलिंग हो चुकी है कश्मीर में अभी तक। एक साल में 24 हिंदुओं की वहां पर हत्या हो चुकी है, कई सारे कश्मीरी पंडित इसमें शामिल हैं और 176 आतंकियों को फौज ने मौत के घाट उतारा है। अब फारूख अब्दुल्ला जिस सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वो सेना कैसे वहां लोगों की मदद कर रही है ये भी आप समझिए। आप देखिए इस साल कब कब टारगेट किलिंग हुई है। 7 मई कांस्टेबल गुलाम दार की हत्या कर दी गई श्रीनगर में। फारूक अब्दुल्ला पूछे यहां पर इसका जिम्मेदार कौन है। राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई कश्मीरी पंडित बडगाम में 12 मई को। इसके बाद फिर क्या होता है, बारामूला में 17 मई को रंजीत सिंह का मर्डर कर दिया जाता है। इसके देखिए 25 मई को श्रीनगर में एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या कर दी जाती है। 31 मई को कुलगाम में टीचर रजनी बाला एक और कश्मीरी पंडित उनकी हत्या कर दी जाती है। 2 जून को कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार का मर्डर, ये तो राजस्थान से आए थे वहां पर जॉब करने, इनका मर्डर कर दिया जाता है। इरफान, फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी आसानी से सेना पर सवाल उठा दिया कि सेना वहां इलेक्शन में इंटरफेरेंस करती है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने यह नहीं सोचा कभी कि जिस कश्मीर में वो रहते हैं और जो उनकी सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं वो कौन है और किस हिसाब से वो कश्मीरी पंडितों की लिस्ट लीक होने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में कैसे कश्मीरी सेना के ऊपर वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल गौरव, असल में कल फारूक अब्दुल्ला एक वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे जहां उन्हें एक बार फिर से पार्टी का प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया और ये हजरतबल में कल एक बड़ी गैदरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज फारूक अब्दुल्ला जो है श्रीनगर से लेना चाहते थे इस बयान को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लगातार ये इशारा कर रहे थे कि जो आने वाले चुनाव जम्मू कश्मीर में है उसमें भाजपा जो है कहीं ना कहीं दखल अपना देगी और कोशिश करेंगी कि वो अपने पक्ष में जम्मू कश्मीर के चुनाव करें, और उसी के चलते उन्होंने फिर उसके बाद डोडा की ये एग्जाम्पल दी जिसमें उन्होंने सेना पर सवाल खड़े किए। लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्यकाल में फारूक अब्दुल्ला खुद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थे, उन पर भी उसके बाद कई सवाल खड़े किए गए, खासतौर पर भाजपा और अन्य संगठनों से।